आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, टाटा मोटर्स अपने बिजनेस से ज़्यादा सबसे पहले पूरे समाज, पूरे देश और पूरे विश्व के कल्याण के लिए ही ध्यान रख के ही कोई भी अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। टाटा मोटर हमेशा ऐसे निर्णय लेते हैं जिसकी वजह से आने वाले समय में किसी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, बल्कि उस कदम से आने वाले समय में प्रकृति के ऊपर और देश के ऊपर और लोगों के कल्याण में उसका एक योगदान बने। और ऐसे ही निर्णय टाटा मोटर्स लगातार ले रहे, तो ऐसा ही एक निर्णय बहुत बड़ा टाटा मोटर्स की तरफ से लिया गया है। जैसे कि आपको पता ही होगा, टाटा मोटर्स हमेशा अपने कर्मचारियों का भी बहुत ध्यान रखती है, और इसी के लिए उन्होंने स्पेशली टाटा मोटर्स के एम्प्लॉयज़ के लिए अलग से एक कार डिज़ाइन की है जो सिर्फ टाटा मोटर्स के एम्प्लॉयज़ को ही प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह से टाटा मोटर का जो नज़रिया है वो बहुत ही ऊंचा है, और उसकी वजह से टाटा मोटर्स में हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरणा मिलती है। फ्रेंड्स, और इसीलिए आज टाटा मोटर्स से रिलेटिंग बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। साथ में टाटा मोटर्स के बहुत सारे टारगेट निकल कर आए जिनको देखकर आपको इसको खरीदने की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी। मैं फ्रेंड्स आपको बार बार कहता हूँ कि टाटा मोटर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। फिलहाल जो इसकी प्राइस रुकी हुई है वो उसके पीछे वजह है, बहुत ज़्यादा ये दौड़ चुका है और इस वजह से फिलहाल ये रेस्ट के मोड में। आज भी थोड़ा सा ये नरम है, लेकिन आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से सारे एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स में आने वाले समय में बहुत बड़ी तेज़ी बनने वाली है। तो आपको इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, और साथ में टाटा मोटर्स का आगे क्या भविष्य बनने वाला है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी बाजार शुरू है, करीब 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। आज स्टॉक थोड़ा सा नरम है, करीब 1% के आसपास गिरावट है, लेकिन इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये नॉर्मली दौड़ने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ी सी गिरावट जैसी दिख रही है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वॉल्यूम बहुत अच्छा है और कारोबार भी अच्छा हो रहा है, और आगे इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी बनने वाली है। और सबसे पहले हम चलेंगे उस न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। टाटा मोटर्स ने 2039 तक अपने JLR के बिजनेस को नेट जीरो कार्बन बिजनेस बनाने का ऐलान लक्ष्य रख दिया है। यानी आने वाले 2039 तक JLR का पूरा बिजनेस बिल्कुल कार्बन फ्री हो जाएगा, यानी किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होगा कार के अंदर, यानी पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री होगी टाटा मोटर्स की कार JLR। और भविष्य में जो भी मॉडल बनाए जाएंगे वो प्योर इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर के ऊपर बनेंगे, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होगा। जैसे कि आपको पता ही है, टाटा मोटर्स हमेशा से ये अपनी तरफ से उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि बिजनेस तो करना ही है, लेकिन साथ में प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। और इसीलिए उन्होंने निर्णय ले लिया है कि आने वाले समय में JLR का सारा बिजनेस होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही रहेगा, और जितने भी दूसरे वर्जन है वो बंद किए जाएंगे। सोमवार को टाटा मोटर की तरफ से इसकी घोषणा की गई है, 2039 तक पूरे वर्ल्ड में क्लीन एनर्जी व्हीकल बनाए जाएंगे JLR के द्वारा। ऑलरेडी हमने इसकी शुरुआत UK से की है, जिसके लिए हमने 12 मंथ के निवेश की व्यवस्था भी कर ली है, यानी उन्होंने UK से इसकी शुरुआत भी कर दी है। आने वाले 2030 तक JLR के ऊपर प्योर इलेक्ट्रिक पावर की नेम प्लेट लग जाएगी, यानी इन्होंने जो लक्ष्य रखा उसके हिसाब से 2030 तक JLR के जितने भी व्हीकल होंगे उनके ऊपर प्योर इलेक्ट्रिक पावर की नेम प्लेट लग जाएगी, यानी पूरी तरह से सुरक्षित इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाले व्हीकल जो किसी भी तरह से कोई पोल्यूशन नहीं करेंगे। उन्होंने अभी अपनी तरफ से लक्ष्य रख लिया कि आने वाले 5 सालों में JLR 6 नए इलेक्ट्रिक वेरिएंट मॉडल में बाजार में उतारेगी जो पूरी तरह से जीरो कार्बन फ्री होंगे। आने वाले 2024 के अंत तक प्योर इलेक्ट्रिक पावर की नेम प्लेट लगने की शुरुआत हो जाएगी, यानी 2024 से उनके कार के ऊपर प्योर इलेक्ट्रिक पावर की नेम प्लेट लगनी भी शुरू हो जाएगी। और कंपनी का कहना है कि 2025 तक हमारा जो भी कर्ज है धीरे धीरे कम हो जाएगा, और साथ में हम कैश फ्लो हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत बड़ा निर्णय टाटा मोटर की तरफ से लिया जा रहा है, और उनका जो लक्ष्य है बहुत बड़ा है। आने वाले समय में टाटा मोटर्स और JLR दोनों मिलकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने और साथ में नेक्स्ट जनरेशन की डेटा और सॉफ्टवेयर की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे, यानी दोनों मिलकर आने वाले समय की नेक्स्ट जनरेशन सर्विस प्रोवाइड करेंगे और साथ में एयर पोल्यूशन कम करने के लिए नए निर्णय लिए जाएंगे, और दोनों मिलकर इसके लिए आगे बढ़ेंगे। और कंपनी आने वाले समय में JLR को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदल देगी, यानी पूरी तरह से निर्णय ले लिया गया है आने वाले समय में कंपनी का JLR का बिजनेस पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील हो जाएगा, यानी सारे के सारे व्हीकल इलेक्ट्रिक होंगे और उसकी वजह से वातावरण सुरक्षित रहेगा और जो पॉल्यूशन रहा है वो खत्म होगा। तो इस तरह से मानव समाज के लिए एक बहुत कल्याण का काम
टाटा मोटर्स की तरफ से किया जा रहा है। 2008 से ही JLR पूरी तरह से टाटा मोटर्स के कंट्रोल में है और ये टाटा मोटर्स की एक सब्सिडियरी कंपनी है फ्रेंड्स। तो जिस तरह से निर्णय लिया गया बहुत बड़ा है और इसको काबिले तारीफ है टाटा की तरफ से। जिस तरह से टाटा मोटर्स एक के बाद एक बोल्ड निर्णय लिए जा रही है, इससे लग रहा है कि टाटा मोटर्स में आगे तेजी का बड़ा तूफान बन सकता है। और इसी को लेकर ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से भी टारगेट दिया गया है। उन्होंने कहा कि करंट प्राइस से आप खरीदे और उन्होंने टारगेट दिया है 389 का। तो उनका कहना है कि कंपनी ने क्वार्टर टू से क्वार्टर थ्री के दरमियान इनकम में 40.99% की बढ़ोतरी की है, बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाई है और जिस तरह से कारोबार लगातार बढ़ रहा है तो इसमें और तेजी की संभावना बन रही है। तो उनका कहना है कि करंट प्राइस से आप खरीदो, बहुत जल्द इसकी 389 की प्राइस आपको देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, इसकी प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही मजबूत है। 42.4% की प्रमोटर के पास होल्डिंग है, 16.4% की FII के पास होल्डिंग है और 12.3% की DIIS के पास होल्डिंग है और साथ में 29.4% की पब्लिक के पास होल्डिंग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही इसका मजबूत है और इस वजह से टाटा मोटर की मजबूती दिखा रहा है। जिस तरह से सबका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जिसमें सारा का सारा होल्डिंग है जो जनरल पब्लिक के पास होती है, 75% जनरल पब्लिक लेके बैठी होती है और वहीं वो शेयर कमजोर हो जाता है, लेकिन इसकी ऐसी बात नहीं है, होल्डिंग नॉर्मली है पब्लिक के पास। UBS ने भी टाटा मोटर्स को खरीदने की सलाह दी है। उनका कहना है कि आप करंट प्राइस से खरीदो, इसका टारगेट उन्होंने 360 का दिया है। तो इस तरह से बहुत सारे एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है टाटा मोटर्स को लेकर। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है मैंने हमने कल के वीडियो में बात की थी, टाटा मोटर्स सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर है और हमेशा से ऐसी कार का निर्माण करती है जो सुरक्षा के मामले में पूरे पॉइंट लेके आती हो। और इसी के तहत टाटा मोटर ने मारुति सुजुकी और हुंडई को अपने अल्ट्रोज के साथ क्रैश टेस्ट करने की चुनौती दी है। तो उनका कहना है कि हमारी ये कार अल्ट्रोज पूरी तरह से सुरक्षित है सेफ्टी में के मामले में और अगर आप चाहें तो इनके साथ मिलकर क्रैश टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक बड़ा चैलेंज फेंका है दोनों कंपनियों को। और फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता ही है टाटा मोटर्स का PV बिजनेस तो बहुत पूरे जोर शोर के साथ चल रहा है, लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। टाटा मोटर्स की नेक्सॉन EV ने तो पिछले महीने पूरे कार बाजार में सबसे ज़्यादा सेल बना के एक रिकॉर्ड कायम किया है और अब कंपनी चाहती है कि उनका जो कमर्शियल बिजनेस है वो भी बहुत तेज़ी से चले, यानी इसीलिए उन्होंने बड़ा निर्णय लिया है। मार्क लिस्टोसोला को MD बनाया गया है ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से ये कारोबार भी आगे बढ़ सके। तो टाटा मोटर चाहती है कि उनके सारे के सारे बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और इस वजह से आने वाले समय में टाटा मोटर्स में बहुत बड़ी तेज़ी बनेगी और आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज की थोड़ी सी नरमी की वजह से आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये खरीदारी का मौका है। इस लेवल पे आपको टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट इसमें मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स साथ में एक बात और भी है, अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हो तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा हो फिर से उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसकी प्राइस में करेक्शन आता ही है। तो टाटा मोटर्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी बन चुकी है, ये करीब 160 के आसपास से इसने अपनी तेज़ी बढ़ाई तो बहुत कम समय में ये 340 के पास पहुंच गया। उस वजह से इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रही है लोगों को, तो प्रॉफिट बुक करें। आपको भी अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन मौका देके फिर इसमें एंट्री कीजिए, इसको छोड़े नहीं, इस स्टॉक के साथ आप बने रहे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा आगे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऑटो सेक्टर का ये खिलाड़ी है और आगे जाके ये बहुत ज़्यादा कीर्तिमान स्थापित करने वाला है, तो आपको इस लेवल पर भी एंट्री करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का निर्णय लें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।